सुचुम सोन नंबर तुला सुचु बना यह सा छु रॉन्ग नंबर हायर अथॉरिटी कौन इन्होंने फोन काटा लोगों को सैलरी क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है पिछले चार पांच महीनों से जी कॉल ही कट कर दिया मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे ही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तो चुपचाप कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क नाज़र मोहतरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मजदूर सुंद हक खो तमिस दितुन वक्त पेठ तम सुंद हक कहीं तम सुंद केस लड़ कयामत के दोह बो तो यम सुंद केस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ तो बाकी कुस लड़ तिमन खिलाफ आज से मजदूर कह पंच शेठ नफर आउट सोर्स सुबह सुबह तुम वुचान सन गिन गाड़ यहाँ वन कचरे वाली गाड़ी सानि माजि बेनि कोरि छि नेरा तम छि तुलान कचरे तो त्रावान छि तत गाड़ियन मन्ज नेरान छि गाड़ि वाल तो यमन गाड़ि वालन छुक ना आज सैलरी प्रोवाइड करमस किन पत्मो चोरो पांचो रेतो पेठन युहुंद वनन छु यति कि चौहो रेतो पेठन यानी कि दोयो वरियो पेठन छुक ना आसे प्रोविडेंट फंड तो प्रोवाइड करमत किन उछु मजदूर उस कोत गसो तवे छि आज आमति वेतन पीसफुल प्रोटेस्ट करने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेबर कन यानी कि एस एम सी एस नेबर कन आमित ये आज ये धरने दिन खो एप्लिकेशन तो त्रामच ये वो तुम्हें तुम अथन मन कमिश्नर एप्लिकेशन त्रमित बाकिन एप्लिकेशन त्रमित मगर युद्ध वनुक तान युद्ध फैसला आमुत कर असल वोन तुह नश बूज तो क्या दलील तुम तफसील पत्म सैलरी बंद बेयो प्रोविजनल फंड बंद एप्लिकेशन त्रम मगर यमो खास गौर कहें वन कल पगह ये पांच रेत गो यही बोजान अच्छा मुश्किल घरन मजार हालात खराब पे पान तय कश्मीर हालात क्या कत मसल मसल कश्मीर मेस वो यमो एप्लिकेशन त्रम कमिश्नर सबस पे ट्रांसपोर्ट अफसर अफसर सबस पे फाइनेंशियल एडवाइजर एफ एस सबस पे तम एप्लिकेशन मगर अस वे हालात खराब लेबर कमीशन तत् ग मगर अब कह रेस्पॉन्स जवाब क्या वन तुम ठेकदार जवाब दिन तुम प्राइवेट कंट्रैक्टर तुम करू सर तमस थप मगर वन अगर अह कंट्रैक्टर गाड़ी दि तेज कंट्रैक्टर गवर्नमेंट तेल करफ खर्न खुद तैयार करो तुम गाड़ी तेल बंद बहुत डिपार्टमेंटस मे चाय चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर सड़े साहबस तौर चाय तमेंस वो करू सर तम सत कंट्रैक्ट अस कंट्रैक्ट पे सोन नंबर सुचुम सोन नंबर तुला सुचु बना यह सा छु रॉन्ग नंबर اہن حظ آ سہ ونان یہ تمس کال سہ ونان اس کہین تمہیں بت تھوت یعنی بیا کنٹریکٹر تمس ناؤ عرفان متو عرفان متو فون کر سہ دا تہ کیا مے ستھ کنٹریکٹرس کیا ناؤ یہ نمبر تمہیں جمک سہ رجت سنگھ تم کور حوال یہ یمس کیا ونان متو سنگھ السلام علیکم رجت جی میں آصفہ بشیر بات کر رہی ہوں آپ نے ایس ایم سی سے ایک کانٹریکٹ لیا ہے آؤٹ سورس کا एम आई ऑडिबल हेलो जी आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है आउटसोर्स का जो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और इस वक्त हम वीडियो भी बना रहे हैं आपसे बात भी कर रहे हैं आपकी बात को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या मसला है इन इन लोगों को सैलरी क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है पिछले चार पाँच महीनों से जी जनाब मोहतरम इन्होंने कॉल ही कट कर दिया मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है गरीबस गरीबस सतसाल कर यो गरीब इन कह आउटसोर्स आम पत् कहें आउटसोर्स चलाना यम गाड़ यथ वन कचरे वाली गाड़ी यम सुबह शनती पन पे घर ये ठेकदार यम तुम आउटसोर्स लगो ये कित लगो इरफान मोतस रटान अंदर तम काकत वाकत दि गाड़ी इरफान नंबर नंबर फिर से ये ठेकेदार फोन कर रहा है रजत नाम है इसका हाँ जी रजत जी आपने फोन ही कट कर दिया जी
क्या मसला है इस आउटसोर्स के साथ? यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तकरीबन 50 से 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप कौन बोल रहे हो? जी मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। न्यूज रिपोर्टर? मैं भी एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। जी 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 जी। अभी ये बताइए क्या पूछना, मैं वही जवाब दूंगा, आप पूछिए जो पूछना। जी मैंने वो सवाल आपको किया कि यहाँ पे जो आउटसोर्स है तकरीबन 50 से 100 लोग हैं, इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट एसएमसी में आपका ही है और इनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और 4-5 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है और इनका ये भी कहना है कि 24 महीनों से यानी कि 2 सालों से इनको पीएफ फंड भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। चले पीएफ फंड तो ये करेगा एसएमसी में, लेकिन अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्टर तो आप ही है ना, इनको इनकी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? बिल्कुल, 4-5 महीने से कोई बिल क्लियर नहीं हुआ, एक सैलरी इनकी आ जा रही है, क्योंकि एक सैलरी हम अपनी जेब से देते हैं, हमारी 2 सैलरियां 3 सैलरी अपनी जेब से दी हुई है, अभी उन्होंने बिल हमारे क्लियर नहीं किए हुए हैं। एक सैलरी उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बिल रिलीज किया, मार्च भी नहीं था जाना मैं ध्यान, मार्च का बिल रिलीज किया उन्होंने हमारा एक। किन्होंने? एसएमसी ने जनाब, एसएमसी ने? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी 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 जी। एक बिल उन्होंने 3-4 दिन पहले हमारा रिलीज किया, मार्च महीने का बिल। अच्छा ठीक है, जो ऑलरेडी हम इनको मेजर पेमेंट दे चुके हैं। आप लोगों को मार्च तक सैलरी मिली है? नहीं, मार्च की सैलरी मिली है? जी जी बिल्कुल, ये आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। इनका कहना है कि जून से, इनका रजत जी इनका कहना है कि जून से इनको पेंडिंग सैलरी है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं यूनिक वॉइस न्यूज पेपर खुद चलाता हूँ, ठीक है, मैं उसका ओनर हूँ, मुझे मार्च का बिल इन्होंने क्लियर किया, मैंने मई तक पेमेंट दी हुई, अभी जो आज इनकी पेमेंट आई वो जून की पेमेंट आएगी इनकी, ठीक है, और मेरा मार्च का बिल क्लियर। तो आप इसका खतावार किसको ठहराते हैं? क्योंकि देख लीजिए ये मजदूर लोग हैं, हम कर सकते हैं, जैसे यू सेड कि यू आर वर्किंग एज अ मीडिया जर्नलिस्ट, तो आपको ये पता होगी हमारा निकलता है, लेकिन इनका ये गरीब लोग हैं, ये डेली वेजर्स है, ये सुबह निकलते हैं काम पे और शाम को कमाते, अपने बच्चों को देते हैं, आउटसोर्स कुछ नहीं है। जी अच्छा, ये जो 4 महीने रजत जी, ये जो 4 महीने है, ये आप कहाँ से ये ले, या आपकी बिल का वेट करेंगे, या इनको इनको क्या करना है, अब आप ही सजेशन दीजिए। नहीं नहीं, इनका ये है कि उनको बिल प्रोसेस किए थे, इन्होंने कहा कि हमारे पास अभी फंड नहीं थी कोटा फंड की वजह से, इसलिए मैं पैसा नहीं सर। अच्छा, तो मैंने कहा वो 10 तारीख को तो खत्म हो गया, जो भी कोटा बिल्कुल खत्म हो गया, तो कोटा फंड जी तो अभी उनसे बात करते हैं। आप किन से हमें बात करनी है एज पर यू? आप जो हायर अथॉरिटी उनसे बात कर लीजिए। हायर अथॉरिटी कौन? इन्होंने फोन काटा, बोला आप हायर अथॉरिटी से बात करें और हमारा जो बिल है वो अभी पेंडिंग है, हमारे पास अभी पैसा है ही नहीं। और इनका ये भी कहना है कि मैं खुद मीडिया से वाबस्ता हूँ, मेरा एक न्यूज़पेपर चलता है। खैर वो इनका अपना है तो, लेकिन यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी, जरा आप कैमरा घुमाएं, जरा आप यहाँ सारे लोग इस तरफ हो जाए, जो भी आप लोग ड्राइवर्स हैं वो जरा यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमने हायर अथॉरिटीज से, जो रजत जी है, इन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटीज की बात अगर करें, हमें हायर अथॉरिटीज के पास हमें जाना चाहिए, लेकिन हायर अथॉरिटीज के पास ये लोग गए हैं, हायर अथॉरिटीज से भी इनको अभी तक कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं मिला है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और आखिरी में आप क्या बोलना चाहेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से? सर मैं यमन रिक्वेस्ट कर, अगर ना तुम एस एम सी गाड़ी छो दिन कहें मकलू सा पीन सैलरी गाड़ी करो तुम हवाले, अच्छा बाकी तुम जरूरत क्या अस करो सी जिंदगी करो तुम वरान अनत अमिश थप, अगर अस मजूरी करान दी पे पोस, अगर ना तुम अत बराबरी छो कहें गाड़ी चलाने कहें दियो पी मजूरी वो तो करो पुन कारोबारा करो क्या केल कनो क्या रेट दुकानदारी करो क्या करो करो एटलीस्ट ची वन सुरी लगे कर बचो सकूल मेबर अल्लाह तला तम फीस तक वर्दी ना कुछ कड़ सो बच्चे सकूल मेबर दस क्या तुम्हें नौकर कुंजनी डिपार्टमेंटन दुक नीर तुम गो दफा तुम कम कस रटो जनाब ठूकर बेशमिन खुद बतर गुमत तिंद खुद बतर हम भीख मांगने के लिए अभी तैयार है।
चलो हम कोशिश करते हैं नजर मोहतरम, और आप लोगों से भी मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। हमारा ये बात आप याद रखिएगा कि हमारा काम है आपकी बात हुकाम तक पहुँचाना, हम हुकाम नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, और आप भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है नजर मोहतरम, आप भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। اطمینان دیوا تو ہجو اس پوس یم ایچو بنا ٹو گیدر وی سور وِد یو ٹو دا پینشنل فریڈم جوان اور عوام امن ہے مقام ہم کیا کریں گے ہماری مانگ ہے پوری کرو ہماری مانگ ہے پوری کرو